कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का। क्या मेकर्स करेंगे रैग्स टू रिचेस का फंदा इस्तेमाल? क्या रॉकी की बहन की एंट्री का हिंट दिया है केजीएफ 2 के मेकर्स ने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर फैंस के बीच जैसी एक्साइटमेंट इन दिनों देखने को मिल रही है, उससे उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ने का पोटेंशियल रखती है। हाल ही में रॉकिंग स्टार यश की फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था और ये टीजर तेजी से वायरल हो गया था। यश की केजीएफ 2 के टीजर को यूट्यूब पर अभी तक 125 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। अब जो फैंस इस फिल्म की कहानी जानने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए काफी बड़ा हिंट आ चुका है। इस फिल्म की कहानी में शायद फिल्म मेकर्स रैग्स टू रिचेस का फंडा इस्तेमाल करने वाले हैं। फिल्म में हमें संजय दत्त भी दिखने वाले हैं। खबर है कि केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां इस फिल्म का पहला पार्ट खत्म हुआ था। फिल्म के सीक्वल की कहानी में एक्टर यश के किरदार रॉकी ने अपनी मरती हुई माँ से वादा किया था कि वो गरीबी में नहीं मरेंगे। बस इस फिल्म के सीक्वल में हमें रॉकी का पावरफुल और रिच लुक देखने मिला। वो अपना वादा इस फिल्म के दूसरे पार्ट में पूरा करेंगे और इसकी झलक मेकर्स ने केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर में भी दे दी है। टीजर में ये लिखा गया था कि वादा पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि ये रैग्स टू रिचेस का कॉन्सेप्ट हमेशा से ही बॉलीवुड में पसंद किया गया है। अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो हमें फिल्म के मेकर्स ने एक और हिंट दिया है। हो सकता है कि इस फिल्म के सीक्वल में हमें रॉकी को टक्कर देने वाली एक बहन भी दिखे। तो क्या है ये हिंट जिसकी हम बात कर रहे हैं? दरअसल ये सब शुरू हुआ तब जब एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया कि क्या हमें रॉकी की बहन भी देखने को मिल सकती है, और इस ट्वीट को लोगों ने भर भर के रीट्वीट और शेयर किया। इस ट्वीट को मिले रिएक्शन देखकर बाकी फैंस भी रॉकी की बहन की मांग करने लगे थे, लेकिन फिल्म मेकर्स ने इस बात की कभी पुष्टि नहीं की। लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट के अनाउंस के करते हुए अलग टाइप का हिंट दे दिया। रक्षाबंधन के खास मौके पर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की नई रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई थी। ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के लीड स्टार्स यश और संजय दत्त के साथ डायरेक्टर और प्रोडक्शन कंपनी ने सोशल मीडिया पर रिलीज डेट की घोषणा की थी। सभी ने एक ही पोस्ट शेयर की थी। तो क्या लगता है आपको, रक्षाबंधन के त्यौहार पर अनाउंस करने की कोई खास वजह हो सकती है? क्या दिखेगा हमें केजीएफ 2 में रॉकी की बहन का अनोखा अंदाज? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मैं श्रुति लेती हूँ आपसे इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।